नमस्कार दोस्तों, सुथर रेड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यामा RX वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बाइक जो रही है यामा की तरफ से, वो BS6 में लॉन्च होने जा रही है। आज मैं उसकी ऑफिशियल डेट और उसकी हर चीज क्लेरिफाई करूंगा कि अगर ये BS6 में लॉन्च होती है तो 100cc में या 150cc में लॉन्च होगी। उससे पहले हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट BS6 बाइक की वीडियोस मिलती रहे। फ्रेंड्स, सबसे पहले बात कर लेते हैं यामा RX 100 BX6 के फ्रंट लुक की। इसमें फ्रंट में आपको फुल LED लाइट्स दे रखी हैं और साथ में आपको 32 इंच डायमंड कट अलॉय दे रखे हैं, जो काफी बेहतरीन लग रहे हैं और इसका लुक पहले से काफी इनहेंस कर दिया गया है BX6 मॉडल में। सबसे पहले जान लेते हैं इस बाइक की हिस्ट्री। ये बाइक 1985 में लॉन्च हुई थी, उस समय ये काफी पॉपुलर बाइक रही थी और इस बाइक को काफी यंगस्टर्स लोग चलाते थे। इसमें लगा हुआ था 98cc टू स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन लगा हुआ था, लेकिन जो इसका इंजन पावर प्रोड्यूस करता था 11 bhp का। आजकल की जो 125cc बाइक है वो 11 से 12 bhp की पावर प्रोड्यूस कर पाती है। उस समय का ये इंजन था काफी दमदार पावर निकालता था, जो आजकल की 125cc बाइक निकाल पाती है। फ्रेंड्स, उस समय भी इस बाइक में 9.2 लीटर का फ्यूल टैंक दिया जाता था, जो काफी बेहतरीन लगता था। यामा का एक्सोटिक इंजन देखने को मिलता है। इसका जो इंजन है काफी रिफाइंड इंजन है और BS6 में और भी इसको रिफाइंड करके उतारा गया है। इसमें आपको बैटरी काउल पे RX 100 की बैजिंग देखने को मिलती है, जो काफी यूथ को जनरेट कर रही है। यामा RX 100 अपने सेगमेंट में बहुत पॉपुलर रही थी, क्योंकि उस समय इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन इस बाइक में ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी दे दी गई थी जो आजकल की बाइक में तक नहीं आ पाई है। और इसका प्राइस रखा गया था 19,764 रुपीज ओनली, जो उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। और इस बाइक का वेट भी काफी कम था, इस बाइक का वेट मात्र 95 किलो था, जो एकदम लाइट वेट बाइक बनाता था इसको। फ्रेंड्स, इस बाइक में एकदम सिंपल एनालॉग मीटर कंसोल दिया गया है, साथ में यामा की बेजिंग भी दी गई है ऊपर, और इसमें आपको न्यूट्रल और हाई बीम का इंडिकेटर साथ में दिया जाता था। इसका मीटर कंसोल एकदम सिंपल और सोवर था, साथ ही में इसमें आपको क्रोम का साइलेंसर देखने को मिलता था और इसकी नट बोल्ट की फिटिंग ब्रास में थी। यामा RX 100 उस समय बहुत पॉपुलर बाइक थी, फिर भी जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स आए थे 1996 में, उस नॉर्म्स पे खड़ी नहीं उतर पाई थी और इसमें BS सेकंड नॉर्म्स नहीं आ पाए, उस वजह से इस बाइक को डिसकंटिन्यू कर दिया गया, क्योंकि ये बाइक उस समय पॉल्यूशन ज्यादा कर रही थी उस हिसाब से, गवर्नमेंट नॉर्म्स के हिसाब से। फ्रेंड्स, आप बात कर लेते हैं इस बाइक के हेडलाइट के बारे में। इसमें आपको बाहर की तरफ निकला हुआ एक बड़ा सा हेडलाइट दिया जाता था, जो काफी एट्रैक्टिव लगता था, और साथ ही में आपको क्रोम फिनिश बुलेट वाले इंडिकेटर्स देखने को मिलते थे। इस बाइक में BS6 में आपको अलॉय व्हील के साथ काफी कारीगरी करते हुए दिखाया गया है। फ्रेंड्स, अगर ये बाइक BS6 में लॉन्च होती है तो ये 150cc में लॉन्च होगी, क्योंकि इसमें जो पावर है और टॉर्क है इसमें काफी हाई रखा गया था। उस हिसाब से आजकल के 150cc में इतना पावर और टॉर्क मिलता है तो ये 150cc में लॉन्च होगी। और इसमें जो धुआं निकलता था इसके पीछे से, अब BS6 में इसमें नहीं निकलेगा और ये बाइक जल्दी मार्केट में आपको देखने को मिल सकती है। तो अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन का नोटिफिकेशन ऑल पे दबाइए ताकि आपको लेटेस्ट BS6 बाइक की अपडेट्स मिलती रहे। और इस बी स्टे ट्यून्ड।